प्यार भी चुभता है भाई। नहीं बोला था कि मेरे को बालों की टॉपिंग चाहिए, तो नहीं बोला था स्प्रिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा तो लिया नहीं उसने मुझसे बाल बाल का। स्प्रिंग कैसे लेगा यार, समर चटनी का उसने एक्स्ट्रा लिया था मेरे से। पता है क्या बोला वो, स्प्रिंग कैसे लेगा समर चालू है। मारता क्यों नहीं, आगे से कूद जाना चाहिए। अरे कूद तो सकते ना, ऊपर से कूद सकते हैं। दिखाया तो सही कि कुणाल की गाड़ी में ऊपर खुलता है पर्दा, खुलता है ये भी, खुलता है ये भी, खुलता है दरवाजा भी खुलता है, अगर चाहिए तो चलती चलती गाड़ी में दरवाजा खुलता है, तनी धक्का दे देना। चलो देखो मॉन्टाजेस ले लेना इसके ऊपर से, ले इधर से ले। नहीं नहीं थैंक यू, दूध का पूरा अंदर देखेगा कंटेंट अभी आगे। अभी मॉन्टाज के चक्कर में ब्लॉग चालू कर रहे हैं, भूल गए हम लोग, मॉन्टाज मॉन्टाज लेते जा रहा हूँ। वो तेरी आदत है ना, क्या अब मॉन्टाज पसंद है मेरे को, जिस तरीके से ये पसंद है उस तरीके से ब्लॉग होता है चालू। तो जी हाँ भाई और बहन, आप सबका स्वागत है एक नए वीलॉग में। वीलॉग में कुछ नॉस्टैल्जिक चीजें बहुत ज्यादा वो होगी, क्या होगी, तरतारो ताजा होगी, हिट 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 होगी भाई, एकदम हुक हिट। हम जा रहे हैं सपनों की दुनिया, अरे सपनों की नगरी, जहाँ इच्छा पूरा होता है, लोग सपने पूरे होते हैं। बरोबर 30 किलोमीटर दूर फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी अच्छा पेंशन की बात कर रहे थे, सपने पूरे, वेट ड्रीम्स, चुन्नी उन्नी पहन के बैठे दो लोग। एक बात बताओ, फेस्ट में क्या था, कॉलेज में वहाँ से हम ब्रेक लेके छुट्टी में कल्टी मार के हम लोग गए थे बैंडस्टैंड, कपल बैठे हुए थे पत्थरों में, वो पत्थर बहुत चुभ रहे थे, पता नहीं कैसे बैठे हुए तो मजबूरी बोलते उसे। प्यार भी चुभता है भाई। प्यार का रंग चुभना। लड़के का बैग दिख रहा था, लड़की उसके आगे बैठी हुई थी, ठीक है वहां था, ठीक था। कुछ ऐसा मोमेंट है, लड़के का हाथ इधर है और दूसरा हाथ इधर है, देखो नाखून काट रहा ना नाखून काटने में तू रोमांस कर रहे हैं, नाखून काट रहे तू क्यों काट रहे, वो मैं समझ गया, मैं समझ गया वो। हाँ ओके ओके ठीक है, बड़े नेल बैठे हैं। क्या पता उसका जॉब स्पार पेडिक्योर मेडिक्योर वाला बंदा हो और वो अपना मेडिक्योर पेडिक्योर करना भूल गया हो। अरे मेडिसिन से ठीक, मेडिसिन से ठीक करना, मेडिक्योर पेडिक्योर जो भी, मतलब हाथों का नाखून नाखून काट रहा हो। बैग में भी है शायद, थ्री डी चश्मे पड़े हैं, थ्री डी चश्मे पड़े हैं, चोरी किया उल्लास नगर थी। जब मूवी खत्म होती ना, दरवाजे खड़े होते हैं बक्सा लेके, चोरी खुद का करेगा तो एक ही करेगा, पूरा बक्सा मिलता है, पूरा बक्सा मिलता है, मनी ग्लासेस आइस। बाहर निकल के एक मूवी है जर्सी, उनमें कौन है आपको पता है, द शाहिद द कपूर, तो उनके पास हम लोग जा रहे हैं आशीष द चंचलानी द का रील शूट करने, सरप्राइज देना यार जादू यार। तो क्या हुआ, अच्छा थंबनेल देख लिया, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ थंबनेल मालूम है, तो क्या हुआ टाइटल में शायद कपूर लिखा है। अच्छा सॉरी ओए भूल जाओ, मैंने क्या बोला, भूल जाओ भूल जाओ, सब कैंसिल है। फिल्म भी नहीं चल रही है ना, सिटी बना हुआ है, जंगल ही जंगल है, फिल्म सिटी क्यों बुलाते हैं इसको। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं यार कश्मीरी बीच में कश्मीर तो था ही नहीं। हाँ कश्मीरी भाई, कश्मीरी सेब में तो कश्मीर का टेस्ट ही नहीं आता है कसम से। हाउ डज कश्मीर टेस्ट लाइक, उतारना सेब है, सिटी नहीं मार रही वुड्स, कैसे सिटी मारेगी, नाम गलत है ना फिर तो। सच्ची सच्ची बताओ, थोड़ा लोग का नाम को चेंज करना चाहिए, लगना चाहिए अभी नॉन फिल्म
फॉरेस्ट फॉरेस्ट है देखो उधर आजू बाजू झाड़ है इतने सारे। और फिल्म सिटी में सीरियल क्यों शूट होते हैं? एक बार उससे मैंने बात किया कि भाई घर पे इन्वर्टर लगा देंगे हम लोग, उसको इन्वर्टर क्या होता है? उसको सच में नहीं पता इन्वर्टर क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं? अंदर ही में लाइट जाती ही नहीं थी, उसको इन्वर्टर पता नहीं। मैक्स तो मैं उसको जो लास्ट पता है अपडेट हुआ जनरेटर, और यूपीएस तो बिल्कुल ही मालूम। जब आप गेमिंग पीसी बना रहे थे ना, उसको समझा मैंने क्या होता है। अच्छा ठीक है, तो बोला तो घर के लिए क्यों यूपीएस, मैं उसको इन्वर्टर बोल रहा। अल्लाह, हमारे यहाँ पे तो 24 घंटे में तो 22 घंटे लाइट बंद रहती है, वो 2 घंटे में जनरेटर चार्ज होता है। अंबानी का बेटा खुद बोलता है कि जब मैं पढ़ाई करता था हमारे घर पे लाइट जाती थी, मैं इन्वर्टर में बैठ के पढ़ाई करता था, और इस अमीर आदमी को इन्वर्टर नहीं पता क्या होता है। समझ रहे डिफरेंस कितने? ज्यादा की इसके ऊपर इनकम टैक्स रेट वेट नहीं पड़े अनमोल के ऊपर, बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी है वो। अंबानी से थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर ही है, बट उसका वो बड़ापन है कि बताता नहीं है वो। अंदर उसका सॉफ्ट है, बहुत अभी हम लोग जा रहे हैं सेट पे रियल। ये क्या है, सिर्फ मेकअप के लिए लगाया था ये पूरा सेट? ये जो पूरा गोडाउन था, क्या चाहिए? रुकू, रुकने को बोलता है वो। मेरे को लगा डिक्की खोलना है। हाँ, डिक्की खोल रहे हैं आप, रुको। ऐसा डिक्की खोलेगा गाड़ी पीछे देगा तर नहीं अंदर अपन पीछे। पता है क्यों? तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपिल शर्मा शो के सेट पे, और वहाँ पे हम लोग रील का शूट करेंगे लाउंज में। कहाँ पे पता नहीं, किधर, वहीं पे ही करेंगे हम लोग। जैसे आप जानते हैं उसको डीसी की मूवीज बहुत पसंद है, तो उसको थोड़ा एक डार्क एटमॉस्फेयर चाहिए था, डार्क रूम चाहिए था आई एम वेंजेंस बोलने के लिए। तो यहाँ पे आया, अंदर गया, बोला आई एम वेंजेंस, अभी वापस जा रहे हैं सेट पे। फाइनली द शूट इज ओवर, और मजा आ गया हमको शूट करके। शायद भाई थोड़ा जल्दी में थे तो बात तो नहीं हो पाई, लेकिन शूट हो गया पूरा का पूरा, और बहुत मजा आया हमको इतना टाइम बाद देखने के बाद। और ये हाय सर, आपको हेलो। तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया। कितने टाइम बाद शूट किया? बहुत टाइम बाद। अभी तो शूटिंग जाए हम लोग, शाहिद भाई के साथ बहुत टाइम बाद शूट हुआ। शाहिद भाई के साथ बहुत टाइम बाद शूट हुआ। ऐसे सर आपको कैसा लगा? ही इज स्टिल द सेम। हां ये बात है। हां ऐसा लगा ही नहीं मैं 2022 में हूँ, ऐसा लगा 2018 में हूँ। सच्ची में सेम ह्यूमर, सेम मस्ती में, दिखने में भी सेम। चार साल में कुछ तो हम बुढ़े हो गए, हमारे वाइट बाल आ गए, लेकिन इनके वाइट बाल, मुंह फूक जाता है, दांतें टूट जाते हैं, हमारे बाल सड़ जाते हैं, लेकिन बट ही स्टिल द सेम, स्टिल हम्बल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, रिमेंबर्स एवरीथिंग। तो ऐसे घूमते भांगते सींगते लांगते हम लोग आ गए वापस अपने गांव, अपने शहर उल्लासनगर, उल्लासनगर, और हमको बहुत बढ़िया मजा आया। फिर हम लोग उसके बाद गए थे मयंक भाई से मिलने, गेट टुगेदर था वो भी, बहुत मजा आया। पेट पूजा किया यहाँ पे, बहुत ठूस के खाया क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। ये लोग ने मेरे को धोखा दिया, ये लोग बाहर से डोसे वोसे खा के, मेरे को भी डोसा खाना था, इन्होंने खिलाया नहीं। वो JW मेरिट का इतना वो सोफिस्टिकेटेड खाना खिलाया, कौन खाने सोफिस्टिकेटेड खाना है, कोई नहीं खाता है, मेरे को जबरदस्ती खाना पड़ा। गलत गाड़ी में बैठा हुआ, मेरे को इससे धक्का दिया, बोलता है मेरे को जा उधर, मेरी बैग तक मेरे को नहीं दी। सच्ची में मैंने बोला उधर जाके व्लॉग करना कार में, नहीं हुआ मुझसे, मैं ग्रीषम की मजाक उड़ा रहा था, 1200 ग्रीषम का, मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, चलो वो भी सही है, मतलब इन्वेस्टमेंट ही। तो इस तरीके हम लोग घूमते भांगते फिंगते भांगते आ गए यहाँ पे, और सब कुछ मजा आ गया। बहुत रील तो बहुत बढ़िया शूट हुआ, आपको दिखी गया होगा। 14 फरवरी को
14 फरवरी को आ रही है। देखो नियत पे खोटे बराबर अंदर से बहुत टाइम से 14 फरवरी मनाया नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ 14 अप्रैल को आ रही है। मना मकर संक्रांति नहीं, वैलेंटाइन्स डे नहीं मनाया भाई। तो बहुत मजा आया उसी तरीके से, जिस तरीके से मजा आया उस तरीके ब्लॉग को देखा था। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जर्सी तो देखो यार, जर्सी देखो, जाओ जर्सी देखो, बहुत बढ़िया है। अरे वीडियो खत्म करने दो, फिर जाओ। हाँ बाद में जाओ, बाद में ऐसा हम लोग भी जाने वाले हैं अभी थोड़े टाइम एंड में। तो व्यूअरशिप से ड्रॉप होती है यार, ऐसे नहीं करो यार, इसलिए ड्रॉप हो गई क्यों, जर्सी देखने जा रहे हो, बोलेगी तुमने तो बोला जाओ जाओ तो मैंने बंद कर दिया। ठीक है जाओ जाओ तो जाओ उस तरीके से। और आपको पता है आप तो हमें तो जल्दी गाड़ी। थैंक यू सो मच वॉचिंग द ब्लॉग, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू बाय।